पप्पू भाई, यह हम लोगों के अड्डे के आसपास जासूसी कर रहा था, साले को पकड़ लाए हम लोग। चुबे, आतंक का दूसरा नाम है पप्पू भाई। 2 साल 20 रावरी फिर भी कोई नहीं जानता हमें कौन है और क्या करते हैं। समझ में आया मैं कौन हूँ? आप जो है पप्पू भाई है, आपने 2 साल में 20 रावरी की है और आपका दूसरा नाम आतंक है। तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ? कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ है? कौन है बे? अरे क्या भाई, अब फिर हम लोग पे शक कर रहे हैं? तुम सबसे तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस बबुआ की तलाशी लो। भाई एक कार्ड मिला है। आई कार्ड? पढ़े तबे, देख क्या लिखा है। इंस्पेक्टर गुलगुले लिखा है। कार्ड में फोटो भी नहीं है। अंडरवियर अफसर। अरे पप्पू भाई, वो अंडरवियर नहीं, अंडरकवर ऑफिसर है। पहले इंग्लिश तो सीख लीजिए। पप्पू भाई को इंग्लिश सिखा रहा है? बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ता था उस स्कूल का प्रिंसिपल हमारा चेला था। अब तुम बहुत चपर चपर कर लिए, अब तुम्हें मरना होगा। ना मुराद, कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल। पप्पू भाई, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे बत्ती बंद करके अंधेरे में मारा जाए। ठीक है ठीक है, अबे बत्ती बुझाओ रे। ये क्या, मेरी बंदूक तेरे पास कैसे? दुनिया में 3 चीजें जरूर होती है लेकिन किसी ने देखी नहीं। पहला भूतों का संसार, दूसरा सच्चा वाला प्यार और तीसरा ऑफिसर गुलगुले की रफ्तार। पप्पू भाई, अब तेरा टाइम खत्म, भगवान को याद कर ले। हमको मारने चला था, बंदूक में गोली ही नहीं है। बेटा हमको मारने के लिए यमराज को खुद यहाँ आना पड़ेगा। गोली नहीं है तो क्या हुआ, मेरा 2.5 किलो का हाथ तेरे लिए काफी है। अरे तू कहना क्या चाहता है?